पलवल में केजीपी एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर किसानों का धरना दूसरे दिन भी जारी है। पहले यहां पर नेशनल हाईवे 19 पर 57 दिनों तक किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के लाल किले पर जो घटना हुई उसके बाद कहीं ना कहीं किसान मायूस हुआ और किसानों ने जिला प्रशासन की चेतावनी के बाद यहां से धरना समाप्त किया। लेकिन पावन पंचायत की जो पंचायत बैठक हुई उसके बाद फैसला लिया गया पावन पानों के जो प्रधान अध्यक्ष अरुण जेलदार जी की इस आंदोलन को फिर से शुरू किया जाएगा। आज धरने का दूसरा दिन है और धरने पर स्वयं यहां पर अरुण जेलदार मौजूद हैं जो अध्यक्ष हैं पावन पानों के, और रात भर यही किसानों के साथ जारी है। रात क्या कहोगे इस तरह से इस आंदोलन को मजबूत किया जाएगा? किसानों के साथ रात नहीं गुजारी, हम लोग खुद किसान हैं। मैंने अपने हाथों से अपना 150 एकड़ जोता है, और कोई कहे कि भाई किसान नहीं है तो वो गलत है। और हम लोग हर तरीके से तैयार हैं, जैसे पिछले 2 महीने से चल रहा था उसी प्रकार से ये धरना यहाँ पे चलेगा। जो यहाँ पे लोग आते थे उन लोगों को सभी को जागरूक किया जा रहा है, जो पीछे चले गए पंजाबी भाई थे, जो मध्य प्रदेश राजस्थान यहाँ से सब लोग थे, वो सब लोग आ रहे हैं। उन लोगों के साथ प्रशासन ने गलत किया, उन्हें जिस तरह से यहाँ से हटाया या उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको सोचना चाहिए था कि वो जो ये आम के खाते हैं या खाली में जो निवाला इनके सामने आता है वो ही किसानों को हमेशा से किसान अपने लिए नहीं इस राष्ट्र के लिए जिया है, राष्ट्र के लिए मरा है। इसने कभी भी अपनी व्यक्तिगत, आप आज एक फैक्ट्री लगाएंगे तो भी आप ये कह देंगे कि मेरा उत्पादन का मूल्य इतना रहेगा, लेकिन उन्होंने कभी भी ये वाली बात नहीं उठाई। आप लोग सब जानते हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, इस देश में कुछ समय पहले स्वामीनाथन आयोग बना था, और उस स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से किसान का C2 फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, अगर उसके हिसाब से किसान के अनाज की कीमत लगाई जाए तो लगभग 3300 रुपये क्विंटल होती है, और हम लोग क्या 1900 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य में। चलिए देश की व्यवस्था धीरे धीरे, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कभी देश की स्थिति ये थी प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ा भाई एक दिन का उपवास रखा करो, लेकिन सबने मेहनत की, आज सब लोगों का पेट भर रहा है, अपना भी भर रहे हैं और भी जगह हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ चुकी है, हमने कभी अपना प्रॉफिट नहीं मांगा, हमने कहा न्यूनतम से भाई मेहनत तो दे दो, और आप लोग कहते हैं भाई इसकी लागत तो दे दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होती है। अब आपका 1800 रुपये धान का रेट है 1866, और आप स्थिति क्या है कि आप 600 रुपये में लेते हो, 800 रुपये में लेते हो और 1200-1400 रुपये में लेते हो, तो क्या स्थिति होगी इस किसान की? या तो कुछ फांसी खाना पड़ेगा, या कर्ज में डूबेगा, उसकी ज़मीन बिकेगी, या उसके बच्चे अनपढ़ रहेंगे। और आप ये कहते हैं भाई ये जो मंडीकरण है ये बंद कर दीजिए, या पंजाब और हरियाणा वालों को ही ज़्यादा हो रहा है, नहीं ये पूरे देश में सवाल जो विपक्ष वाले लोग हैं जो करते हैं कि ये किसान आंदोलन है, ये जाटों का सिखों का आंदोलन है, क्या कहोगे? नहीं, ये जाटों सिखों का नहीं है, ये हर वर्ग का है, हर किसान का है, किसान मजदूर का है। आपने देखा होगा पीछे आंदोलन में केरला से लोग आए, कर्नाटक से लोग आए, बिहार से लोग आए, उन लोगों की स्थिति में महाराष्ट्र से लोग आए, वो उन लोगों की स्थिति इवन कश्मीर से आए। ये जो चिल्लाते हैं ना फल लगाओ फूल लगाओ, उन्होंने बताया कि हम लोग जो वहाँ फल उगा रहे हैं हमारा सेब का हिसाब किताब है, हमारा भी इतना ही बुरा हाल है जितना आप लोगों का यहाँ पे, हम लोगों के लिए मतलब ही बुरा हाल है। धरना शुरू हुआ एक बार किसानों का, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और उल्टा मुकदमा दर्ज किसानों पर कर दिया, 2000 करीब किसानों पर मुकदमे कर दिए, और यदि वो 15 दिन तक वापस नहीं होते तो किसान पर रणनीति बदल सकते हैं, क्या होगा? हाँ, वो पूर्णतः गलत है। जब जिस दिन ये वाक्य हुआ था हम लोग शांतिप्रिय तरीके से जा रहे थे, और सामने जब उन्होंने लाठीचार्ज किया, हमारे जो किसान भाई थे जो ट्रैक्टरों पे थे उनके ट्रैक्टरों को नुकसान किया, उन्होंने हाथ जोड़ के यही कहा कि जी हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे, आप लोग हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, हम लोग आपके हाथ नहीं उठाएंगे, हो सकता है आप लोग किसी दबाव में हो, लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमेशा से आपका पेट भरते आए तो हम आपका सर नहीं फोड़ेंगे। और उसी के तहत उन्हें लिहाज आई कि उन्होंने गलती की है, तो उन्होंने क्या किया कि भाई हम लोग नुकसान की भरपाई भी करेंगे, जो ट्रैक्टर्स में हुआ उनके जो अधिकारी वहाँ पे बैठे थे उन्होंने कहा था ट्रैक्टर्स में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, लोगों का इलाज भी करवाएंगे, और कोई केस दर्ज नहीं होगा। अगर वो लोग केस दर्ज करते हैं तो वो अपनी बात से मुकरते हैं, वो अपनी बात से मुकरते हैं तो ये किसान भी अपनी बात के लिए लड़ना जानता है।
आप एमएसपी की बात करते हैं, कृषि कानून रद्द कराना भी आपकी रही की डिमांड। ये जो पहले से ही चलता आ रहा है एमएसपी, सबसे प्राथमिकता एमएसपी है, सरकार को सोचना चाहिए कि वो कहती है हम 6% खरीदते हैं, बाकी 94 कृषि कानून जब तक रद्द नहीं होंगे लगातार। हाँ ये तो है, अगर हम लोग अपने लिए नहीं, कृषि कानून जो इस देश की व्यवस्था गड़बड़ा सकते हैं, गड़बड़ाएंगे। ये सब लोगों ने बारीकी से देखा है कि हम लोग उसी के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। किसान अपने पर्सनल इंटरेस्ट के नहीं है, कि अगर आप जानते हैं ये देश कृषि प्रधान देश है, इस देश की जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसान योगदान दे रहा है, अगर आज किसान समृद्धिशाली होगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए किसानों की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, और उसमें 36 बिरादरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ये जाट सिख और इनके, नहीं, ये 36 बिरादरी है इसमें, और आप देखिएगा जाके कौन सी बिरादरी ऐसी जो खेती किसानी नहीं कर रही, तो इस तरह का जो कब तक यहाँ पर डटे रहोगे आप लोग? काफ़ी समय लगेगा, और जब तक हमारी जीत न होगी जब तक ना नहाएंगे और ना किसी तरह से जंगल जाएंगे, और हम या पूरे किराए दे भरेंगे या युद्ध देना चले कितने भी, कोई भी चिंता नहीं किसी तरह की, सब कुछ हमारे पास है, और खान पान का सिस्टम आता वो ठीक है, और जो भंडार बनाता है वो भी ठीक है, और इसी तरह से हम बड़े मजबूती से बड़े आंदोलन को बनाएंगे। आंदोलन है देश के हित में, और सरकार बनती है कानून के हित में, और किसानन की तो सरकार ना मान रही है, सरकार की किसान ना मान रही। बात करने में कई तरह जो रहता है जुड़ता है, लेकिन हम अपनी मजबूती के हकदार हैं। ये थे हमारे साथ बावन वालों के प्रधान अरुण जेलदार और किसान, जिनका कहना है कि वो लगातार यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक किसी कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता है। वहीं इनका ये भी कहना है कि जो किसान यदि मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, यदि किसान कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। लगातार वो संघर्ष करते रहेंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब।